सबका नाम वेलकम बैक टू आर चैनल डेली ब्लॉग में सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग यहीं से। तो अभी यहाँ पे चाय बन रही है और सुबह करते हैं चाय नाश्ता, चाय और पोहा। सभी मम्मी और पापा बाहर, तो थोड़ा बहुत काम है कल के प्रोग्राम की वजह से। पापा और मम्मी भी बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना, जो लास्ट चीज़ें बाकी रही है वो उसका अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। अभी प्रोग्राम क्या है मैं आपको भाई भी बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। प्रोग्राम क्या है यानी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम ये है कि कल मेरी दादी की पुण्यतिथि है, कल उनको एक साल हो जाएगा। समय पता नहीं चलता कितनी तेज़ी से चलता है, कल उनको एक साल भी हो जाएगा, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं हर रोज़ उनको याद करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आज ही याद करते हैं। तो कल उनको एक साल भी हो जाएगा एक्जैक्टली, मुझे अभी भी याद है उनकी जब डेथ हुई थी उसके एक दिन पहले ही मेरी जॉब लगी थी, बहुत टाइम के बाद मेरी जॉब लगी थी, काफ़ी टाइम 6-8 महीने के बाद मेरी जॉब लगी थी। उसके नेक्स्ट डे ही दादी का देहांत हो गया, तो उसके बाद फिर मेरी वो जॉब भी चली गई। सो खैर एनीवेज मुझे अभी तक भी आइडिया नहीं है कि कल उनको एक साल हो जाएगा। तो उनको मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे, जब भी मेरे लंबे बाल देखती थी तो तुरंत मुझे ये कहती थी कि पहले अपने बाल कटा जाके, अपने बाल इतने लंबे क्यों रखता है। तो आज भी मुझे पापा और मम्मी दोनों कह रहे हैं कि बाल कटा ले अपने, तो ये उनके लिए है। मैं अपने बाल अभी जाके लास्ट में मैंने मुंडन, हमने कुछ टाइम पहले मुंडन करवाया था, जब उनका देहांत हुआ था तब मुंडन करवाया था। तो अभी ये भी मैं सोच रहा हूँ कि उनको मेरे लंबे बाल पसंद नहीं है तो उन्हीं के लिए समर्पित है, तो मैं अपने बाल अभी जाके कटवा के आता हूँ क्योंकि कल उनको एक साल हो रहा है। तो वो जहाँ से भी होगी, जहाँ से भी मैं देख रही होगी, खुश हो और उनको उनको खुशियाँ मिले, बस यही चाहते हैं हम लोग। और बस कल का ब्लॉग मैं शायद बनाऊँगा तो आपको, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, उसमें बहुत सारे गेस्ट भी आए होंगे, तो उसमें ब्लॉगिंग हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा बहुत इमोशनल भी होगा हमारे लिए, हम सब के लिए, तो वो बनेगा ब्लॉग। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा वो भी। तो अभी चलता हूँ बाल कटवा के आता हूँ पहले, तो उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सभी चलते हैं बाल कटवाने के लिए। तो मैंने बालों में ऑयल डाला था, सुबह तेल डाल दिया था मैंने, तो पहले मैंने इसको वॉश कर दिया अच्छी तरह से, फिर आप भीड़ होगी तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा इससे अच्छा। मैंने इसको वॉश कर दिया है अभी, तो अभी चलते हैं बाल कटवाने के लिए। आ चुका हूँ वापस घर, तो अभी आते ही मम्मी ने काम दे दिया है, तो अभी जाके पनीर लेने जाना है मुझे। तो अभी वापस अभी जस्ट आया हूँ, तुरंत अभी पनीर लेने जाना है, क्योंकि चलते वहाँ। सब
सब्जी बनाने की ये कौन सी ग्रेवी है? ये प्याज प्याज की वाइट ग्रेवी। वाइट ग्रेवी, वाइट ग्रेवी पनीर बनाने के लिए। काजू की ग्रेवी बोलते हो यही? यही हाँ, काजू। अच्छा, यहाँ पे मटर, मटर शिमला मिर्च। तो भी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है खाना बनाने की। पनीर और ये पनीर के सबके साथ भाकरी खाएंगे आज। और ये पनीर की सभी पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, सभी से खाते हैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी। तो खाना पीना अभी हो चुका है और अभी मैं बैठा हूँ जस्ट कल के लिए तैयारी करने की, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठेंगे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग भी है जो कि कल सुबह कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ चीज़ें लानी है वो ला देंगे हम लोग सुबह जाके, जो कुछ सुबह लाने वाली चीज़ें वो हम लोग कल सुबह ही जाके ले आएंगे। बाकी किसी बाकी का सारा काम अरेंजमेंट हो चुका है। तो भी बस ये ब्लॉग यहाँ तक ही रखता हूँ, ये ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा लंबा मैंने ब्लॉग को खींचा भी नहीं है मैंने। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। टिल देन टाटा बाय बाय। बड़ा लंबा मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं, इसको खींचा भी नहीं है मैंने।